सुपर संडे के दिन आंद्रे रसेल और ऋषभ पंत ने निकाला गेंदबाजों का तेल और विरोधी टीम की सारी योजना हो गई फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात उन दो बल्लेबाजों की करेंगे जिन्होंने सुपर संडे के दिन महफिल लूटने का काम किया। मेरी दाई तरफ ऋषभ पंत की आप तस्वीरें देख रहे हैं और मेरी बाएं तरफ आंद्रे रसेल हैं। आंद्रे रसेल वो बल्लेबाज जिन्होंने आखिर के 4 ओवर में 64 रन बनाकर कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत में बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा की। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत की बात करें जिन्होंने अपनी पारी के दौरान 7 चौके और 7 छक्के लगाए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए उनकी ये पारी कितनी इंपॉर्टेंट थी उससे उस बात का अंदाज़ा आप उनके इन आंकड़ों से लगा सकते हैं, यानी कि 288 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। वहीं आंद्रे रसेल का स्ट्राइक रेट भी 200 से ऊपर का था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन दो बल्लेबाजों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कितना शानदार रहा है। खासतौर से अगर हम बात करें आंद्रे रसेल की, साल 2018 में उनका स्ट्राइक रेट 180 के ऊपर था। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत की हम बात करें, ऋषभ पंत का भी स्ट्राइक रेट इसी तरह का था और इसी वजह से ये दो बल्लेबाज बड़े मैच विनर माने जाते हैं T20 फॉर्मेट में और अकेले दम पर मैच जिताने का मादा रखते हैं। मैं इस क्रिकेट के मैदान पर इसलिए आया कि ऋषभ पंत की तरह कुछ शॉट्स खेल सकूं, लेकिन जितना आसान टीवी पे लगता है दरअसल उतना आसान इस क्रिकेट के मैदान पर होता नहीं है। तो ऋषभ पंत की बात सबसे पहले कर लेते हैं, उनकी बल्लेबाजी की बात कर लेते हैं और ऋषभ पंत की वानखेड़े में खेली गई इस पारी ने एक बात तो तय कर दिया है कि सेलेक्टर्स की आंखें खुल चुकी हैं और विराट कोहली अब इस बात को लेकर बहुत गंभीरता से सोच रहे होंगे कि ऋषभ पंत को बतौर बल्लेबाज वर्ल्ड कप की टीम में क्यों ना शामिल किया जाए। तो आपने देखा बाएं हाथ के इस बाहुबली ने किस अंदाज में बल्लेबाजी की, देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर और ऋषभ पंत के ऊपर ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। जिस अंदाज उन्होंने बल्लेबाजी की और खास तौर से अगर आप लेग साइड के जो शॉट्स थे वो अगर आप देखें, जिस स्पीड के गेंदबाजों को उन्होंने बहुत आराम से फ्लिक और पुल और हुक शॉट खेले वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनके रिफ्लेक्सेस कैसे हैं और उनका बॉल सेंस कैसा है। और ऐसे में रितेंद्र सोडी को इस चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं। रितेंद्र, ऋषभ पंत की पारी आपने भी देखी होगी, 7 चौके और 7 छक्के उन्होंने लगाए इस पारी के दौरान, उनका स्ट्राइक रेट 288 रनों के आसपास का था। आप किस तरह से उनकी पारी को एसेस करते हैं और क्या इस पारी ने सेलेक्टर्स की आंखें खोल दी होगी? जी हाँ रजी, बिल्कुल, जिस तरह ऋषभ पंत कल खेले हैं आई थिंक ही हैज बीन स्टुपेंडस, क्योंकि ऐसी बल्लेबाजी करना आसान नहीं है। जिस तरह के उन्होंने शॉट्स खेले हैं, हम सब जानते हैं कि वो किस प्रतिभा के खिलाड़ी हैं। जब धावा बोलते हैं तो कुछ ऐसा करते हैं जो उन्होंने कल किया है, तो आई एम श्योर सिलेक्टर जरूर इस नॉक को बहुत क्लोजली देखेंगे। और जब ऐसी बल्लेबाजी होती है बॉलर सिर्फ इंतजार करते हैं कि किसी तरह विकेट मिल जाए, भगवान उन पर दया करे, क्योंकि ये डोमिनेंसी को संभालना, इसका सामना करना बॉलर के लिए आसान नहीं है। और ऋषभ पंत ने बता दिया है, संकेत दे दिए हैं कि आने वाले जो मैचेस हैं दिल्ली के लिए वो कितने खतरनाक हो सकते हैं प्रतिद्वंदियों के लिए, क्योंकि ऋषभ पंत को इस फॉर्म में झेलना आसान नहीं रहने वाला। रितेंद्र, एक जो इंपॉर्टेंट बात उनकी बल्लेबाजी में नजर आई कि उनकी बॉडी पर क्रैम्प करने की कोशिश की जो मुंबई इंडियंस के गेंदबाज थे, लेकिन उनको क्रैम्प करना इतना आसान था नहीं। दरअसल वो लाइन के अंदर में आकर अपने जो लेग साइड के शॉट्स हैं वो खेल रहे थे और जितने छक्के उन्होंने मारे हैं उनमें से ज़्यादातर छक्के उनके मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं उनको क्रैम करना मुश्किल है, उनको रोकना मुश्किल है, क्या तरीका है ऋषभ पंत को रोकने का? और ऋषभ पंत की जो लेग साइड पे इतना स्ट्रांग एरिया है जहाँ पे वो रन बनाते हैं उसको आप किस तरह से रेट करते हैं? जी हाँ राजीव, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को जिस फॉर्म में बुमराह है उनको मारना कतई आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह बल्लेबाजी कल ऋषभ पंत ने की है, इनोवेशन दिखी, उन्होंने पहले ही तैयारी की हुई थी कि बुमराह को कैसे खेलना है, कैसे उनके स्लोअर बंस को, कैसे उनकी लेंथ बॉल को, यॉर्कर्स को टैकल करना है। तो ये दिखाता है कि बहुत जुझारू प्लेयर हैं ऋषभ पंत, उनमें टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ वो अपने दिमाग, अपनी सूझबूझ का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। और बुमराह को जिस तरह कल वो खेले वहां से गेम पूरी तरह बदला और ऋषभ पंत ने अपना जो अराइवल है इस आईपीएल में दुनिया को बता दिया है। आंद्रे रसेल जब बल्लेबाजी करने आए तो गेंद का कलर कुछ इस तरह का था और जब आंद्रे रसेल मैच जिताकर ड्रेसिंग रूम पहुंचे और अंपायर के हाथ में गेंद आई तो गेंद की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की हो चुकी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने ताकतवर तरीके से बल्लेबाजी की आंद्रे रसेल ने ईडन गार्डन के मैदान पर। और ये दो कलर जो मैं रितेंद्र दिखा रहा हूँ ये अपने आप में दर्शाता है कि कितनी बुरी तरह की पिटाई की है आंद्रे रसेल ने और इससे पहले ऋषभ पंत ने। ऋषभ पंत पे तो हमने बात कर ली, आंद्रे रसेल के पावर के बारे में आप क्या कहेंगे, शेयर पावर हिटिंग ही कहेंगे इसको? इतनी ताकतवर बैटिंग आपने देखी जहां पर खड़े खड़े गेंद को बाउंड्री के बाहर पहुंचाने का मादा कोई बल्लेबाज रखता हो?
अजीब T10 दुबई में अभी एक महीना पहले हम इकट्ठे ही थे वहां पे, तो हमारा मैच था एंड्रे रसल के खिलाफ, तो सच बताओ मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि अगर इनको बॉलिंग करनी पड़ गई तो इनको बॉलिंग करेंगे कहां। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं एंड्रे रसल, इनको इनकी जब एलिगेंस, इनकी फॉर्म चल रही है, ये ताबड़तोड़ अंदाज में खेलते हैं, संभालना बहुत मुश्किल है। और कल कुछ ऐसा ही हुआ। और एंड्रे रसल, अगर हम बात करते हैं इस आईपीएल के टॉप गन्स, जो धावा बोल सकते हैं, जो आग लगा सकते हैं पूरे आईपीएल सीजन में, तो रसल एक ऐसा नाम है। रितेंद्र, अगर हम बात एंड्रे रसल की करें, पिछले साल यानी साल 2018 आईपीएल का 11वां सीजन, और तब भी एंड्रे रसल का जो स्ट्राइक रेट है वो 180 के आसपास का था। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ट्रम्प कार्ड का काम करते हैं एंड्रे रसल, और 12वें सीजन में भी उनका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ राजीव, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जो आपके टॉप गन्स हैं, जो आपके दिग्गज हैं, वो फायर करें। और रसल की फॉर्म अच्छे संकेत हैं केकेआर के लिए, क्योंकि केकेआर बल्लेबाजी में स्ट्रगल करती है, अपने घर से जब बाहर खेलती है तब स्ट्रगल करती है, लेकिन जब रसल ऐसी फॉर्म पकड़ेंगे तो शायद वो स्ट्रगल नहीं करेगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब बड़ा प्लेयर ऐसी फॉर्म पकड़ता है तो वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। एंड आई एम श्योर एंड्रे रसल का जो ये नॉक कल उनके बल्ले से आया है, जो उनका कॉन्फिडेंस है और जो टीम का कॉन्फिडेंस रसल में है, वो बहुत बड़ा होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज खेले जाने वाले मुकाबले की। आज किंग्स इलेवन पंजाब का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। राजस्थान रॉयल्स एक ऐसी टीम जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अपने मैदान पर बेहद शानदार है। ये राजस्थान रॉयल्स के आंकड़े आप देख सकते हैं, और किंग्स इलेवन पंजाब के सक्सेस रेट की भी बात आगे करेंगे। आर अश्विन किंग्स इलेवन पंजाब के कप्तान हैं, इनके पास कई इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड कप की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात राजस्थान रॉयल्स की करें तो इसकी कप्तानी अजिंक्य रहाणे कर रहे हैं, और एक बात जो दोनों कप्तानों में कॉमन ये है कि वो भारतीय T20 क्रिकेट के लिए सूट नहीं करते, लेकिन अपनी अपनी टीमों के वो कप्तान हैं। राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब की टीमें आमने सामने होंगी जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, और जाहिर सी बात है राजस्थान रॉयल्स के साथ बड़ा एडवांटेज यह है कि आईपीएल के इतिहास में अपने मैदान पर सबसे ज़्यादा मैचेस जीतने वाली ये टीम है। और ऐसे में किंग्स इलेवन पंजाब, क्योंकि आपकी टीम है रितेंद्र, आप किंग्स इलेवन से खेले हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं? मोहम्मद शमी उनके पास है, के राहुल उनके पास है, मुजीब बहुत अच्छे गेंदबाज हैं T20 फॉर्मेट के वो उनके पास हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? और पहले मैच में पंजाब किस तरह के कॉम्बिनेशन के साथ मैदान पर उतरेगी, आपसे जानना चाहेंगे। राजीव, ये आपने मेरा सबसे जो अभी प्यारा सवाल जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था आपके लफ्ज़ों से, वो अब आया है। और जी हाँ, किंग्स इलेवन पंजाब का मैच आ गया है, और मैं, आप मुझे देखेंगे अभी मैं लाल पोशाक में यहाँ पे हूँ, इसीलिए क्योंकि मैं पंजाब की सपोर्ट कर रहा हूँ। और जो एक जो चिन्ह जो हमारा किंग्स इलेवन का लोगो है वो यहाँ है राजीव, ये मैंने अपने दिल के साथ इसको लगा के रखा है, और छुपा के इसलिए रखा है कि पंजाब को नजर ना लग जाए। और ये टीम धावा बोलेगी। क्रिस गेल 38 छक्के लगा के आए हैं, उनको रोकना उनकी फॉर्म में नामुमकिन है, तो राजस्थान को गेल को आउट करना होगा। और अगर गेल आज धावा बोलते हैं तो राजीव कल शाम को या कल सुबह ही हम किंग्स इलेवन की बड़ी जीत सेलिब्रेट करने वाले हैं। चलिए रितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। दो बल्लेबाजों पर अगर चर्चा ना की जाए तो शायद ये चर्चा अधूरी रहेगी। हम मेरे दाई तरफ क्रिस गेल का आप देख रहे हो, क्रिस गेल के ये आंकड़े आप देख रहे हैं जो अपने आप में डराने के लिए काफ़ी हैं। वहीं जोस बटलर की बात करेंगे, राजस्थान रॉयल्स के लिए पिछले सीजन में 7 मैचों में 7 अर्धशतक लगाए थे, और उन्होंने अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स की गाड़ी को आगे बढ़ाने का काम किया था सीजन 11 में। तो मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हैं बड़े मैच विनर हैं अपने आप में, और जोस बटलर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा, और क्रिस गेल जो 38 छक्के लगा कर आ रहे हैं पिछले सीजन में, उन पर भी सबकी निगाहें होंगी। और ऐसे में क्रिस गेल के साथ आपकी बड़ी फोटोएं देखी है मैंने रितेंद्र, क्रिस गेल डेंजरस बल्लेबाज, दिल के बेहद शानदार इंसान है। ऐसे में क्रिस गेल शुरुआती मैचेस से आपको लग रहा है की एंकर की फैक्टर होंगे किंग्स इलेवन पंजाब के लिए? देखिए, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और उससे बड़े प्लेयर भी हैं, और मुझे पूरा भरोसा है। बहुत लोगों ने उनको साइन ऑफ कर दिया था, आईपीएल का एक ऐसा भी दौर निकला जहां पे बात की जा रही थी उनको ऑक्शन में नहीं उठाना चाहिए, लेकिन फिर वो एक बड़ी फॉर्म में आ गए हैं, और जब बड़ा प्लेयर ऐसी फॉर्म पकड़ता है तो उसको रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि इस सीजन अगर क्रिस गेल अच्छा करते हैं, केएल राहुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, ये जो ओपनिंग साझेदारी अगर पनपती है ये सबसे खतरनाक हो सकती है अक्रॉस आईपीएल। तो मुझे लगता है ओपनर्स केएल राहुल और क्रिस गेल के पास चाबी है,
किंग्स 11 पंजाब की इस सीजन में। अब हम बात कर लेते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की। चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मैच जीत चुकी है और पहला मैच जीतने के बाद ट्रैवलिंग शुरू हो चुकी है चेन्नई सुपर किंग की। एयरपोर्ट पर एक अलग तस्वीर नजर आई जब केदार जाधव चेन्नई सुपर किंग के लिए रिपोर्टिंग करते नजर आए। उनसे कई तरह के सवाल पूछे गए, क्या कुछ जवाब दिए और उन सवालों के बीच में महेंद्र सिंह धोनी के एक्सपर्ट्स कमेंट्स भी देखने को मिले, उनकी एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी देखने को मिली। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर, और महेंद्र सिंह धोनी बहुत चिल मोड में नजर आए, बहुत रिलैक्स मोड में नजर आए। और आमतौर पर वो खिलाड़ियों से उतना घुलते मिलते नहीं, लेकिन इस बार हो सकता है उनके लिए चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ये आखिरी सीजन हो और इस वजह से महेंद्र सिंह धोनी का एक अलग रूप हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए रितेंद्र हमारे साथ इस चर्चा में फिर से शामिल हो रहे हैं। रितेंद्र, आपने देखा तस्वीरें, महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे की मुस्कुराहट भी आपने देखी, 70 रन जो बनाने थे पहले मैच में उसकी मेहनत के बारे में उनके साथी खिलाड़ी बता रहे थे, किस तरह से आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी का ये बदला हुआ रूप? आपको भी लग रहा है कि वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के बारे में कयास लग रहा है कि ये उनका आखिरी वर्ल्ड कप होगा और शायद ये आखिरी आईपीएल सीजन भी, क्या इस वजह से वो खिलाड़ियों से ज़्यादा घुल मिल रहे हैं या कुछ एक अलग पिक्चर अपनी वो दिखाना चाहते हैं फैंस को भी और अपने साथी खिलाड़ियों को भी? राजीव, MS धोनी एक ऐसा नाम है, इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ही हैज बीन अ चैंपियन, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स हु लेड इंडिया, हमें वर्ल्ड कप जिताया है, और एक ऐसा खिलाड़ी जिनको साइन ऑफ कर दिया गया था, कहा जा रहा था अब वो वर्ल्ड कप तो बहुत दूर की बात है, अगली सीरीज नहीं खेलेंगे एक साल पहले, लेकिन आज वो वर्ल्ड कप के प्रबल दावेदार हैं, मैच विनर हैं, उन पे हम निर्भर कर रहे हैं, अच्छी फॉर्म में हैं, शानदार कीपिंग कर रहे हैं, और जैसे अभी आप बात कर रहे हैं शायद उनका आखिरी IPL हो, शायद आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है, अब ये धोनी डिसाइड करेंगे, बट आई एम श्योर धोनी विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर एज वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेटर्स हु प्लेड फॉर इंडिया। चलिए रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम सब ये उम्मीद कर रहे हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की जिस शख्सियत को हम देख रहे हैं उस शख्सियत में चार चांद लगे। इसके अलावा हमने बात आंद्रे रसेल और ऋषभ पंत की भी की, जिनकी धुआंधार बल्लेबाजी सीजन 12 में अट्रैक्शन का सबसे बड़ा केंद्र रहेगी, इस बात के संकेत भी मिले, और साथ ही इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि कुछ ऐसे खिलाड़ियों को संजीवनी मिलेगी सीजन 12 में जिनका करियर शायद ढलान पे है या करियर खत्म होने वाला है। तो चलिए हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।